वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। रासू हमले में हलाक चीनियों के अहले खाना के लिए मुआवजे की मंजूरी दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना। अमराती सदर शेख मोहम्मद बिन जाहिद से मुलाकात करेंगे। कारोबारी बिरादरी और मालियाती इदारों के सरबराहान से सरमायाकारी समेत दो तरफा तआवुन पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को आज मशहद में रोजा इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक रुफका की तहराम में नमाज जनाजा अदा की गई। बश्कीर से 205 तुलबा को लेकर PIA की पहली परवाज कराची पहुँच गए। 55 लड़कियाँ और 150 लड़के शामिल। वजीर आला सिंध और तुलबा के अहले खाना ने इस्तकबाल किया। MQM ने कराची में गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद जमा करा दी। गैर कानूनी हाइड्रेंट से पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। करारदाद का मतलब खंडकोट में डाकुओं ने मजदूरी का झांसा देकर प्लम्बर को अगवा कर लिया। मुखवी की जंजीरों से जकड़ी तस्वीर भिजवाकर 20 लाख रुपए तावान तलब। और कराची में मई के दौरान दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाएगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई।